आज से 5-7 महीने पहले भिदुड़ी जी ने हुंकार चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू दिया कि अब मैं और मेरा परिवार कोई बदरपुर में बीजेपी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेगा। बोला था जी, आज ही बोला। आदरणीय भिदुड़ी जी, आज आपकी बौखलाहट बोलती है, इसलिए बौखलाहट बोलती है कि इस नारायण शर्मा में एमएलए बनने के बाद नेता नहीं बना, सेवक बन गया। ये नारायण शर्मा एमएलए बनने के बाद विदेशों में मालिश कराने नहीं गया। ये नारायण शर्मा एमएलए बनने के बाद फार्महाउसों का शौक नहीं पाला, जमीन पे जोड़ा रहा। ये बौखलाहट दिखती आपको। परम आदरणीय भिदुड़ी जी, आपके घर में पार्क है, 28-28 एकड़ के फार्म हाउस है आप पे, लेकिन इस बदरपुर की 10 लाख की आवाम को पार्क आज बदरपुर की आवाम दे रही है, क्योंकि बदरपुर की आवाम ने बदरपुर का बेटा चुना था, इसलिए बदरपुर को पार्क मिल गया। आज आपने मटका फोड़ा विधायक के खिलाफ, यहां लगभग हजारों की तादाद में जनसमूह बैठा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भैया किसके घर में पानी की दिक्कत है? हाँ जी, नहीं है। आज की डेट में दिल्ली का पास एरिया पानी से परेशान है, हर विकसित शहर परेशान है, क्योंकि ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। लेकिन मेरे भाई, बदरपुर में पहले से बढ़िया पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है जी? मिल रहा। पहले कुछ लोगों की भैंस गंगा जल से नहाती थी, कुछ लोगों की गंगा जल से धोती थी, और कुछ लोग टैंकरों के पीछे भागते थे जी। ये परिवर्तन अकेला नरेंद्र शर्मा नहीं लाया है, ये परिवर्तन बदरपुर की आवाम लेके आई है। अभी बाबूजी ने कहा कि विधायक जी ऐसा पट्टा कर जाओ कि कोई गलती भी हो जाए तो ये पार की रे। अरे गलती क्यों करो? हाँ भाई, आज भी जगह जिसमें तुम बैठे, आज भी क्योंकि तुमने बड़ी रजिस्ट्री करवा ली होगी, हम सब 50-50, 100-100 गज का वाले बैठे, आज भी हमारी भी जमीन किसी न किसी के नाम बोल रही होगी। अगर मेट्रो ऊपर से नीचे से निकलने लगे तो मुआवजा यादव जी आपको नहीं मिल रहा, आज भी इनको ही मिलेगा, क्योंकि जमीन का बैनामा तो इनके पास ही है, तो ये जमीन आज भी उनके नाम बोलती है। मैं एक बात पूछूंगा आपसे, हमारे पूर्वजों ने कोई बाहर से नहीं आए थे, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भगाया था जी, गोरों को भगाया था, दोबारा लौट के तो नहीं आने दिए भाई? आए तो नहीं दोबारा? नहीं जी। अब की बार मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूंगा, तुम ही कह दो क्या कौन को भगाया आपके, हम तुम दोबारा आने दोगे क्या जी? नहीं आने देंगे। जो 21 साल में इस खान पर राजनीति करते रहे, जो 21 साल भाई भाइयों को लड़ाते रहे, जो लोगों के मकानों को तोड़वाते रहे और जो लगाते रहे, अरे वो 21 साल में इस क्षेत्र को कहते, मैंने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। अरे उद्घाटन के बाद तो विधायक जी तुम दो बार जनता ने चुने हो, तुमने तो एक खट्टा कॉलोनी में स्कूल का भी उद्घाटन किया था। इन 4.5 सालों में नहर वाला रोड बन गया, बगल में नाला बन गया, साथ में पार्क बन रहा है, खान बरगी बरात घर बन गया, 55 करोड़ से बिस्तर बन गया, एक ब्लॉक की तरफ 30-60 फुटे की तरफ, दूसरे 60 फुटे की तरफ, 40 फुटे की तरफ, जब पानी का क्राइसिस रहता था वह पानी मिल सके। 450 कमरे स्कूलों में बन के तैयार है, बगल में जो स्कूल है आपका, हमारे पिता समान आदरणीय चौधरी चंदन सिंह जी की अचानक तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा रास्ता दे देना, वो भी जाएंगे हॉस्पिटल के लिए, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, जल्दी ठीक हो जाए, कुछ बच्चे उनकी मदद करें जाके, मैं भी आ रहा हूं 2 मिनट में। तो मेरा एक निवेदन है आपसे, तुम यहां सभी सज्जन लोग बैठे हैं जी, कई लोग बैठ जाओ आप, हाँ जी सीला जी बैठ जाओ। कई लोग कहते हैं जी, देखो जी हम तो बीजेपी माइंडेड आदमी है, बाबूजी नमस्कार,
हमारे तो दादाजी भी कांग्रेसी थे जी, ऐसा लोग कहते हैं जी, या कोई कहते हैं जी हम तो भिदूरी जी का आदमी है, कोई कहता मैं नेता जी का आदमी हूं। अरे तुम तो काई के आदमी हो, लेकिन वो काई आदमी की ना है, काई पार्टी की ना है। वो सबरे दम्मी पार्टी ने बदल देते, तुम्हारी सिर्फ एक पार्टी होनी चाहिए जो इस मोड़बंद में इस खान को भर सके, जो तुम्हें पार्क दे सके, और बिना लड़े पार्क नहीं मिला, ढींगराओं के हलक में से छीन के पार्क बन रहा है। नारायण दास शर्मा, नारायण दास शर्मा, जो इस खान में 50 फुट गहरी खान को भरकर 2500 गज में बरात घर बना दे, जो नहर वाले रोड को बना दे, और जैसे आप रहते हैं कह सकते हो आप पहले वाले एमएलए थे, 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आदरणीय विदुड़ी जी ने सत्ता बिहार में मकान बना रखा है जी, जसोला में मकान बना रखा है जी, तो कल का बाद उनका दादा लाइए जी, और कहीं एक आध जगह और बना रखा होगा पाली में, 28 एकड़ में फार्म हाउस है जी, उसके बाद मांडी में फार्म हाउस है। अरे मेरे भाई, 100 गज का प्लॉट या बदरपुर में भी लेके देख लेता कि यहाँ की पब्लिक कैसे रहती है, जिस बदरपुर ने 3-3 बार आपको विधायक बनाया। सर्वश्रेष्ठ तमगा लगने से नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए लोगों के दिलों पर राज करना पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ कैसा हो। अब जैसे अभी जगमोहन शर्मा जी ने बोला था, बरसात में ना मेंढक टर्न करने के लिए आ जाते हैं जी, आज से 5-7 महीने पहले भिदुड़ी जी ने हुंकार चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू दिया कि अब मैं और मेरा परिवार कोई बदरपुर में बीजेपी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेगा, बोला था जी, आज ही बोला। अब ये कल परसों मोदी जी का चुनाव हुआ है, तो मोदी जी को तो कटूट वोट दिए आपने, खुल के वोट दिए आपने, कह दीजिए ये जब दिल्ली का चुनाव आएगा जब केजरीवाल जी को देखेंगे, जब बदरपुर का चुनाव आएगा तो नरेंद्र शर्मा को देखेंगे। अभी देश का चुनाव है जी, राष्ट्र के नाम पर मोदी जी चाहिए, क्योंकि उनके सामने कोई फेस नहीं था। आपने चुना, आपको मुबारक, मोदी जी को मुबारक। लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी होगी जी, कुछ लोगों ने मेरे सफारी सूट सिलवा लिए कि भाई साहब बदरपुर से 1 लाख वोट बीजेपी को मिली है, वो 1 लाख वोट तो खाते में आ गई। अरे ये बदरपुर की जनता है, यू खाते पाते ने 2 मिनट के अंदर बदल देती है। सुबह शाम एक गरीब किसान के बेटे को पिताजी ने खड़े हो जाओ मैं दिखा देता हूँ, इतिहास जब नहीं बनता किसी बड़े बाप का बेटा बड़ा बन जाए, इतिहास जब नहीं बनता किसी आईएएस का बेटा आईएएस बन जाए, इतिहास जब नहीं बनता किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, इतिहास जब बनता है मेरे भाइयों किसी ग्वारिया का बेटा इस बदरपुर का विधायक बन जाए, इतिहास जब बनता है, जब वो 4-21 साल में नहीं कर पाए उसको 4.5 साल में कर दे तब इतिहास बनता है। जब नहीं बनता बाप ने भाइयों के साथ बड़ी मारी कर ली, बड़ी कोठी बना ली, बड़ा फॉर्म दे दिया, उसके बाद पीसी के फॉर्म भर रहे जी। अरे इससे पहले किसी एमएलए के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं थी किसी में, अगर रामवीर के खिलाफ बोला होता तो ये पार्क 8 साल पहले बन गया होता। उन गद्दारों को भी चुप करना पड़ेगा आप लोगों को। नारायण दास शर्मा जिंदाबाद, नारायण दास शर्मा जिंदाबाद। मैं इतना बताना चाह रहा हूं आपको, नारायण दास शर्मा रामवीर भिदुड़ी के लिए गुड़ का पुआ नहीं है। आज रामवीर भिदुड़ी की और उन दलालों की बौखलाहट बोलती है, नारायण शर्मा रात को 2 बजे सोता है, सुबह 5 बजे जगता है जी। हर संभव कोशिश करिए हर काम को रोकने की, धरा पर लाया हूं। जिस दिन मैं इस पार्क के लिए लड़ रहा था उस वक्त मुझे उम्मीद नहीं थी कि फाइल क्लियर हो जाएगी, उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि जो फाइल 18 महीने से रुकी पड़ी है आज वो फाइल आपके बीच में क्लियर हो चुकी है। और जहां तक मैं समझता हूं जसोला में बड़ा पार्क है, क्योंकि वह जसोला में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, हमारे लोग जब 37 सेक्टर में पार्क में घूमने जाते थे तो जो वहां के जो उन्होंने बना रखी थी कमेटी उनसे 1100 रुपए की पर्ची काटते थे, और रेफ्यूजी की तरह व्यवहार का अधिकारी भी आए हुए
ये 95 लाख रुपए की लागत से पार्क बनने जा रहा है जी। नारायण शर्मा, नारायण शर्मा, ये पार्क की डिमार्केशन यहाँ से और उस बरात घर तक है जी। ये पार्क सिर्फ लॉलीपॉप नहीं है जी, ये पार्क सिर्फ उद्घाटन नहीं है जी। अभी बाबूजी ने बोले ये पार्क दिखाने के लिए, तुम्हारे बेटा ने दिखाने के लिए कुछ नहीं किया आज तक, तुम्हारे बेटा ने करने के लिए कुछ किया है। आज भी कुछ लोगों की पतीली मंजरी है कि अगर ये नाली बंद होगी, पाप डल गए तो ये तो मोड़बंद में हावी हो जाएगा विधायक। वोट तुम अपने उन काकान में देती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम होने दो मेरे भाई। गलियों में काम चल रहा है, पाप डल रहा है, और कल से इस पार्क का काम चालू हो जाएगा। 35 लाख रुपए की तो जिम लग रही है हमें। इस पार्क में जो काम हो रहा है 95 लैक्स है, इसके अंदर बाउंड्री वाल है चारों तरफ से, और वो वाले गेट लगा दिए जाएंगे जिससे कि कोई जानवर या पशु इसमें एंट्री ना करे। झूले होंगे बच्चों के लिए, आधुनिक झूले होंगे, ओपन जिम होगी जी, वाटर प्रूफ, और पक्का चारों तरफ इसके अंदर ट्रैक होगा जिस पर घूम सके, और बेंचेज होंगी बैठने के लिए, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर इसको पूरे को सजा देगा लाइटिंग से। उससे मेरा सिर्फ कहने का, जिस तरीका से अब तक इस आवाम ने इस पार्क में साथ दिया है, उसी तरीका से इस पार्क में आपने साथ देना है। एक कमेटी बनाऊंगा जी बहुत जल्दी, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि बरातघर बरातघर बरातघर, इन लोगों को इनके दाड़ों में ना, कुछ लोगों को, पुराने लोगों को खून लगा हुआ है। अरे जो बेटा 1000 करोड़ रुपया लगा के अपनी कालर को काला नहीं होने दिया, इस बरातघर में कालर काली कराऊंगा क्या मैं? क्या बाबू जी, एक 21 आदमी की कमेटी बनेगी, और उसमें जरूरी नहीं है 36 बरादरी के लोग होंगे जी, वैश्य समाज से भी होंगे, दलित समाज से भी होंगे, जाट समाज से भी होंगे, ब्राह्मण समाज से भी होंगे, यादव समाज से भी होंगे। 21 आदमी की कमेटी यहां से इस पार्क को भी देखेगी और इस बरातघर को भी देखेगी। बहुत बढ़िया, नारायण शर्मा, नारायण शर्मा। आगे आने वाला टाइम जो चुनाव का होगा, इस चुनाव को अगर तुम ढंग से अपने कामों को जमीन पर बता दें, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप कहीं दूर रखे हो, जीत के दूर बैठे हो, बशर्ते जैसे अभी बोला अरविंद भाई ने कि हर आदमी को नरेंद्र शर्मा बनना पड़ेगा। नरेंद्र शर्मा, जिस आदमी ने इस जमीनों से, भूमाफियाओं से पैसा कमाया हो, वो इस जमीन को कैसे बख्शेगा भाई? उसकी तो नजर इस खान पर है। अगर दोबारा लौटेंगे, मैं किसी गरीब का नुकसान नहीं कर रहा बाबूजी, ना आज तक किया है मैंने, ना मैंने किसी अमीर का किया है। जिस दिन पहली बार जीत कर आया था, रात को 12 बजे अपने घर में पहुंचा था, तो पिताजी के पैर छुए जाके, अनपढ़ पिताजी, ABCD भी नहीं पता, तो पिताजी उधर पढ़ी लिखी किसी, मतलब घुस नहीं थे, बच्चे घुसते, घरवाली घुसती, लेकिन पिताजी सम थे जी जैसे रहते हैं। मैंने पिताजी के पैर छुए, पिताजी कह रहा भैया कितने लोग रहे हैं बदरपुर में? मैंने कहा बहुत रहे पिताजी, पर फिर भी तो मैंने कहा कम से कम 5-7-8 लाख लोग रहते हैं। इन्होंने बोला नारायण अगर 5-7 लाख लोगों में एक आदमी को चुना है ना, तो पहले ऊपर वाला चुनता है, बाद में नीचे वाले चुनते हैं। नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा, इस कुर्सी पर बैठकर किसी के साथ में बुरा मत करना, किसी के साथ में गलत मत करना, इतना ध्यान रखना। मैं कब तक हूं पता नहीं, लेकिन मैं नहीं रहूं तब भी हो सकता है ठाकुर जी तुझे कुर्सी दे, किसी के साथ में गलत मत करना। उसी का कारण है बाबूजी, जो चूहे भी ना मेरे खिलाफ बोलते हैं, उसी का कारण है सर। अगर यह बाप की, अपने पिता की बातों पर खरा नहीं उतरा होता, मैं भी MLA हूं।
रामवीर बिदूड़ी बहुत बड़ा धींगरा नेता, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, नरेंद्र शर्मा धींगरा है, नरेंद्र शर्मा रोज जेसीबी के सामने खड़ा होता है और रामवीर बिदूड़ी तो एक दिन खड़ा नहीं हो सकता। मेरे कार्यकर्ता की तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो नरेंद्र शर्मा घर जाके अकेला खड़ा हो जाता है। बिदूड़ी जी आप नहीं हो सकते, आज अगर कोई मेरे खिलाफ लिख रहा है बाबूजी उनसे मुझे वो लिखे कोई परेशानी नहीं है जी। बाबूजी उनका काम है क्योंकि उनका साम्राज्य छीना है, उनकी 21 साल की व्यवस्था सुनी है, हम बाहर से आकर बसे हुए लोग हैं, हमारी 15 दिन की वैल्यू हुआ करती थी, मंच लगा होता था, रामवीर जी भाषण देते थे कि हमारे बीच में फलाने प्रधान जी आगे ताली बजा दो, अब प्रधान जी की छाती चोरी हो जाती थी, मेरा नाम बिदूड़ी जी ने ले लिया, इतनी थी जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज तुम्हारा बेटा बाहर से आकर तुम MLA हो, कॉलोनी में रहने वाले लोग MLA हो, और देखिए मैं फिर कहता हूँ जी, मैं 6 गांवों से भी इतना प्यार करता हूँ जितना मैं अपने गांव से करता हूँ, ये कई लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि मैं तो कॉलोनी का बेटा हूँ, गांव का बेटा हूँ, गांव छोड़कर आया हूँ, गांव की जमीन पर बसा हूँ, हम तो भूभरियान की तरह आके बसे थे जी यहाँ पे, आपने जमीनें दी, आप लोगों के सानिध्य में अपना रोजी रोटी कमाई, लेकिन इतना मत करिए, वोट हमारी, ताकत हमारी और चाकरी उनकी तो नहीं चलेगा भाई, सबको एक साथ देखना पड़ेगा मेरे जिंदाबाद। इसको कितने दिन में टाइम को पूरा कर देंगे इस पार्क को, कहाँ है अधिकारी? तीन महीने में कंप्लीट कर देंगे आप, ये हमारे एरिया का जेई है, 6 महीने का टाइम है वैसे तो बाउंड, लेकिन 3 महीने में रात दिन काम करेंगे, सभी का सहयोग रहेगा। एक चीज ध्यान रखें भाई, इसके अंदर मटेरियल दिखे कि क्या मटेरियल लगा रहे हैं मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब कमीशन एजेंटों की सरकार नहीं है, अब एक फकीर का बेटा विधायक है इस क्षेत्र का, एक ग्वालियर, अगर मेरे दरवाजे पे भी कान टूटे हुए पहलवान बैठे होते, पिस्टल लगा के बैठे होते जैसे कि उनके बैठे रहते हैं, तो किसी की कोई जरूरत नहीं थी। आज भी तुम मेरे दरवाजे पे जाते हैं, लोग यादव जी जाते हैं, बहुत से साथी जाते हैं, आज भी तुम्हारी भौरिया दूध लेने वहीं से जाती है जो 15 साल पहले जाती थी, आज भी सब्जी वाले से कहती है भैया 5 रुपया कम कर ले, तो महंगे दे रहा है, MLA हूं 1,000 करोड़ रुपया लगाया है क्षेत्र में, फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो बाबूजी ये तो इतिहास है, अगर तुम गिरोगे उठाने कोई नहीं आएगा, ऊपर उठोगे तो गिराने 150 दलाल जरूर आते हैं मेरे भाई, चंद दलालों से, चंद जय चंदों से नरेंद्र शर्मा घबरा जाए, ये नरेंद्र शर्मा की माँ के खून की या उसके दूध की बिसात नहीं, जय चंदों से नहीं घबराऊंगा, हाँ अगर 3, 5, 10 जय चंद है तो 1,000 मेरे साथ, मेरे नौजवान मेरे देशभक्त साथी भी मेरे साथ, आप सभी के चरणों में दोबारा से वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, मेरी राजनीतिक सफर बहुत लंबा नहीं है, अभी ढंग से राजनीतिक अनुभव भी नहीं आया, पहली क्लास का स्टूडेंट हूं राजनीति में, 8-10 महीना सीखने में लग गए थे कि कैसे फाइलें बनती हैं, कैसे फंड आता है, कैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, कैसे एस्टीमेट लगते हैं, कैसे टेंडर लगते हैं, ऐसे है ना जी, और बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं हूं, मैंने अपना बाप दिखा दिया है, अंगूठा टेक है, पेट काट काट के मुझे पढ़ाया है, आपने भगत सिंह को नहीं देखा होगा लड़ते हुए, आपने सुखदेव राजगुरु को नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे मरने के बाद में जरूर याद करोगे कि एक ब्राह्मण के बेटे को, एक ग्वारिया के बेटे को लड़ते हुए देखा था, और बाबूजी इस देश में देशभक्त उस भी थे तो गद्दार भी थे जी, नस्ल कभी खत्म ना हुई, छपकली की खत्म ना हुई, छेटी की खत्म ना हुई, छेटा की खत्म ना हुई, तो गद्दारों की भी खत्म ना हो रही है और पीरों की भी खत्म ना हो रही है भाई साहब, जय हिंद जय भारत और जय